Very good evening, everybody. So today we are going to revise and start, I would say, revise the previous things done in experiments, all the basic rules. And secondly, we'll be doing the important questions from this chapter, exponents. सबसे पहली चीज, a to the power 0, ठीक है, a means anything, a means anything raised to power 0 is 1, 1 to the power anything is माइनस वन टू दी पावर एनीथिंग इज बोलो बोलो इज इक्वल टू वन इफ इफ इसको माइनस वन की पावर ए की बजाय एन कर दू इफ एन इज इवन एंड माइनस वन इफ एन इज याद है कि नहीं याद है ठीक है जी उसके बाद जीरो की पावर एनीथिंग बोलो ये पॉइंट क्लियर है एनीथिंग पावर वन एनीथिंग टू की पावर वन तो ए की पावर वन याद है ये सब श्योर उसके बाद ए की पावर माइनस एन वन बाई ए टू दी पावर तो पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद है उसके बाद सेकंड पार्ट सोचो और क्या क्या किया हमने इसमें ए की एनथ रूट तो क्या लिखेंगे ए की पावर वन बाय एन आई होप यू रिमेंबर दिस अग्री करते हो अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे आ जाओ ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन ए की पावर एन डिवाइडेड बाय ए की पावर एन ए एम माइनस एन एक्सलेंट ए की पावर एन रेज टू पावर एन ए की पावर एम एन क्या ये पॉइंट क्लियर है अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो अगले पॉइंट पे आ जाऊं ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम जब बेस चेंज हो जाते हैं पावर सेम ए बी होल रेज टू पावर आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी उसके बाद ए की पावर एम डिवाइडेड बाय बी की पावर एम ए ओवर बी रेज टू पावर एंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट जहां हम लोग गलतियां करते हैं याद है क्या ए की पावर एम प्लस माइनस बी की पावर एम नॉट डिफाइन नहीं नो चेंज नो चेंज इसके लिए याद रखो इसमें कोई क्लबिंग नहीं होगी आई होप यू रिमेंबर दिस बोलो ठीक है आइएगा अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस पे आप सबको कुछ क्वेश्चंस ऐसा होमवर्क मिले थे पहले अपने डाउट्स रखो डाउट्स रखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे ठीक है बेटा हाँ जी थर्ड का ओके किस किस को डाउट है लीजिए बेटा थर्ड का सेकंड पार्ट मतलब वन अपॉन वन प्लस एक्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है हो गया था पर समझ नहीं आया मैं ये नहीं आ जाओ फिर आ जाओ समझो प्रूव दैट वन ओवर वन प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी प्लस वन ओवर वन प्लस एक्स टू दी पावर बी माइनस ए इज इक्वल टू वन ये करना ध्यान से समझना सब लोग लेट्स डिस्कस एलएचएस वन ओवर वन प्लस आप सबको थोड़ा सा रिवर्स प्रॉपर्टीज भी समझनी पड़ेंगी ए की पावर एम माइनस एन को मैं क्या लिख सकता हूं ए की पावर एम ओवर ए की पावर एम एन नहीं बोलना ए की पावर एम तो एक्स की पावर ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो एक्स की पावर ए ओवर क्या ये बात समझ आई बोलो यस और नो यहां पे वन ओवर वन प्लस क्या लिखो आई होप दिस इज ओके टू एवरीबॉडी बोलो बेटा अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको आपको पता है न्यूमरेटर में तो वन है डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन है फ्रैक्शन के साथ एक नंबर ऐड हो रहा है तो क्या करूंगा एलसीएम ब्यूटीफुल इन दोनों का एलसीएम क्या है एक्स की पावर बी सब एग्री करते हो बोलो अब देखो मैंने ऊपर वाले वन को बेटा एज इट इज रखा छेड़ा ही क्यों छेड़ू क्यों इस चीज को तंग करूं अब ये नीचे में एलसीएम बना एक्स की पावर बी इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये एक्स की पावर बी इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा ये सबको आता है नहीं आता है
तो ये बना x की पावर b और इधर ऑलरेडी क्या है, बोलो जी, फिर ये वाला प्लस 1 ओवर x की पावर a और यहां क्या गया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, इसको ध्यान में रखना, सब ध्यान से आंसर भी देना। अगर a अपॉन b और उसके नीचे c अपॉन d हो तो इसे कैसे लिख सकते हो, एक बार उपनीत, a ओवर b इज इक्वल अपॉन c ओवर d, नहीं आता कोई बात नहीं, नहीं, वेरी गुड, c ओवर d रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ये एक्सट्रीम्स है बाहर वाले और ये अंदर वाले, इन्हें मीन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स चले जाएंगे प्रोडक्ट बन के न्यूमरेटर में, कहां चले जाएंगे, तो ऊपर क्या बना बेटा समर एडी और नीचे क्या बना बीसी, क्या बना, ये फ्रैक्शंस में वो गलतियां जो बच्चे बहुत करते हैं। फिर एक और फ्रैक्शन की बात करें, ए अपॉन बी अपॉन अगर सी हो इसको कैसे लिख सकते हो, इसका मतलब है बड़ी फ्रैक्शन, मेन फ्रैक्शन, ही इज सेइंग ए सी ओवर बी, आप क्या कह रहे हो, नहीं सुनो, ऐसे सोचो C के नीचे कुछ नहीं है, मतलब मैं वन तो लिख सकता हूं, बोलो, तो क्या ये चीज बिल्कुल यही बन गई, D की वैल्यू क्या बन गई, वन, तो ये ऊपर जाएगा तो A इंटू वन क्या बना, B इंटू सी क्या बना, बिल्कुल समझ आया। अब डबल स्टार कैटेगरी पॉइंट जहां पे बच्चे मार खाते हैं, A अपॉन ये मेन डिवीजन है अपॉन बी अपॉन सी, अब बोलो आंसर, ब्यूटीफुल। अब देखो मैं इसको मनी मनी ये लिख सकता था, ए अपॉन वन ओवर बी ओवर सी, बोलो, ए के नीचे कुछ नहीं था, ए ओवर वन तो अपनी मर्जी से लिख सकता हूं, तो ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो क्या बना ए सी ओवर। ये तीन रिजल्ट आपके टिप्स पे होने चाहिए अगर आपको फ्रैक्शन और एक्सपोनेंट्स में अच्छा खेलना है। अब मेरे को आप बताओ वानिया, ये तीन टाइप्स हैं, ये क्वेश्चन आप किस टाइप का है, सॉरी मैडम थर्ड, ये मेन फ्रैक्शन थी वन के नीचे, तो ये कहा जाएगा, तो ये बन गया क्या, एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर, और ये क्या बना, ये ऊपर गया एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर, अच्छा बताओ व्हाट इज टू प्लस थ्री, थ्री प्लस टू मतलब एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, ए प्लस बी इज इक्वल टू, तो ये आगे हो या ये पीछे हो कोई फर्क नहीं है, तो दोनों का एलसीएम का डिनोमिनेटर सेम रहेगा। जब दोनों का डिनोमिनेटर बेटा मेरा बना ही एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर्स भी एज इट इज एड हो जाएंगे, तो क्या बना ऊपर भी, तो क्या ये दोनों सेम है, जब दोनों सेम है तो कटे, तो क्या बचा, तो विच इज इक्वल टू, करिए जी नोट, वान्या समझ आया, वान्या, हाँ जी एवरीबॉडी, नेक्स्ट डाउट, व्हाट इट सेज, थ्री ब्रैकेट स्टार्ट ए टू द पावर फोर बी टू द पावर थ्री होल रेज टू पावर टेन, तो यहां पे अगर मैं बेटा आइडेंटिटी को लगा दूं ए की पावर एम उसकी पावर एम ए की पावर, तो टेक्निकली देखो थ्री तो बाहर का बाहर ही है, ए की पावर फोर उसकी पावर टेन, उपनीत क्या बना, वेरी गुड, ए की पावर 40, बी की पावर 3 इंटू बी की पावर 10, अनन्या बी की पावर 30, क्या ये बात समझ आई, इंटू ये वाला 5 एज इट इज रहने दो, ये भी ब्रैकेट के अंदर है, ए की पावर 2 उसकी पावर 3, ए की पावर 6 बी की पावर 2 उसकी पावर 3, अच्छा बेसिक पावर्स गॉट एडेड, ठीक है, तो ये देखिए ये ए की पावर 40 है और ये ए की पावर 6 है, तो ये बन गया ए की पावर 46, ये बी की पावर 30 और ये बी की पावर 6 है, बी की पावर 36 और 3 और 5 बच गए, 3 into 5 दैट्स माय आंसर, समझ आ गई चीज, करिए नोट। यस स्टूडेंट्स, ए की पावर एम और उसकी पावर एन क्या प्रॉपर्टी है, सो ए की पावर एम और उसकी पावर एन बन गया ए की पावर एम एन, एग्री करते हो, तो ये हाँ जी सुहाया आप बताओगे न्यूमरेटर में ए की पावर क्या बनी, 18 एंड बस बेटा ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा माइनस
54 डिवाइडेड बाय ए की पावर 2n-4 एग्री करते हो? हम सबको पता आप कौन सी प्रॉपर्टी, ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर, तो अगर आप ये कैच करें तो ये बना ए की पावर 18n-54 -2n+4 क्यों? माइनस आते ही दोनों के साइन चेंज, वेरी गुड बेटे समझ, एक्सीलेंट। तो ये बना ए की पावर 18n-2n -54+4 दैट्स माय आंसर। कहानी समझ में आई? करिए नोट। Yes, students, now in such category of questions, when they say solve for x, that means we need to use the exponents laws and the properties of exponents to find out or to solve this equation and then find out the values of x. So, yahan pe ek main result aur aapko crack karwane ja raha hu, isko dhyan mein samajhna. Agar a ki power n is equal to a ki power n hai, then m और n आपस में इक्वल होंगे। अगर इक्वालिटी के दोनों तरफ सेम बेस है और अलग अलग पावर्स हैं, वो इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनकी पावर्स सेम होंगी। बेस तो गिवन है, सेम है बेस तो, इट इज ऑलरेडी गिवन। और ऐसे ही कौन प्रॉपर्टी पे करेगा काम, a की पावर n b की पावर अगर m हो जाए, मतलब अगर दोनों पावर सेम है तो मेरा बेस भी सेम होगा, देन A is equal to B। तो ये हमें क्वेश्चन में समझना है। इन दोनों के केस में पावर तो सेम है नहीं, बेस भी सेम नहीं है, तो मुझे बेस को सेम बनाना पड़ेगा। मुझे बेस को सेम टू और फोर में कोई रिलेशन है? पहले कोई नोट ना करे, पहले प्लीज फोकस करो, वेरी गुड। तो अभी ये टू, और मैंने कल कॉन्सेप्ट में सिखाया था प्राइम फैक्टराइजेशन, फोर इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, तो पहले उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लेके आओ। इधर लिखो 2 की पावर x+1 लिख दिया, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, और उसकी पावर क्या बनेगी? हाँ जी माधव, यहां कौन सी प्रॉपर्टी? अभी तक सेम कहा हुए हैं, a रूट टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn, तो यहां बना 2 की पावर x+1 और यहां बना 2 की पावर। वेरी नाइस। अब लिखो As bases are same, therefore powers can be compared या equal। तो आपके स्कूल में जैसा लिखवाया कोई बात नहीं, तो therefore मैं यहां पे क्या लिखूं? ये सिंबल पता है सबको, therefore x+1 is equal to ये 2x इधर ले आए और ये 1 उधर चला गया। What is x-2x? एक मिनट सुहाया, ब्यूटीफुल बेटे। ओके फिर से -6-1 -7, तो x क्या बन गया? x क्या बन गया? That is my answer. Please note. Yes, बच्चे in the previous question क्या था? इधर 2 था और इधर 4 था, तो there was some linkage कि 4 को मैंने लिख दिया था 2 का स्क्वायर ताकि उनके बेसिस सेम कर दूं। यहां ना तो दोनों तरफ पावर है ना दोनों का बेस सेम है, अब क्या सोचूं? अब क्या सोचूं इस पे? आज आपको एक रूल मैं कहूंगा, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी 1 दिखे तो आपको सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या करवाई थी, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो क्या मैं बेटा यहां लिख सकता था 7 2x+3 इज इक्वल टू 1 को लिख सकता था 7 की पावर 0, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0, तो इधर अगर 7 है मैंने इधर खुद 7 बना दिया। क्या ये बात समझ आई इशरत? मैंने इधर 7 खुद क्रिएट कर दिया। तो अब वो लाइन पूरी लिखोगे कौन सी? एज बेसिस आर सेम पावर्स कैन बी इक्वल, सो दिस इंप्लाइज, उतनी बड़ी लाइन का इतना सा जवाब ये लिख सकते हो। पर मुझे पता है स्कूल इसके नंबर डिडक्ट कर सकते हैं, पर करने नहीं चाहिए। इसका मतलब होता है दिस इंप्लाइज मीन्स मैं इसको यूज कर सकता हूं क्या? 2x+3 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू बेटा, दैट इज माय आंसर। समझ आई? करिए नोट। यस एवरीबॉडी, अनदर क्वेश्चन अगेन सॉल्विंग मीन्स वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इधर 4 है इधर 32 है, सबसे पहला काम क्या करूं? दोनों का कोई तो रिश्तेदार निकालो,
कौन सा रिश्तेदार? प्राइम रिश्तेदार टू। क्या मैं इसे लिखूं फोर को टू का स्क्वायर और उसकी पावर टू एक्स? क्या मैं इसे लिखूं वन अपॉन टू की पावर? हाँ भाई, यहां कौन सी प्रॉपर्टी? ए की पावर एम उसकी पावर। तो भाई ए की पावर एम उसकी पावर एन इज इक्वल टू, यहां कौन सी प्रॉपर्टी? ए की पावर माइनस एम इज इक्वल टू। तो मैं उल्टा भी तो सोच सकता हूं कि नहीं सोच सकता हूं? तो ये बन गया, इधर बन गया टू की पावर फोर एक्स और इधर बन गया टू की पावर, फिर क्या लिखोगे? ठीक है, तो यहां पे फोर एक्स इज इक्वल टू क्या बना? सो एक्स इज इक्वल टू, दैट इज माई करिए जी नोट। नाउ आई एम जस्ट पुशिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। इन क्वेश्चंस को समझिएगा, दो तरीके इस क्वेश्चन को करने के। पहली बात सिंप्लीफाई का मतलब होता है इसको एवेल्युएट करो, सिंप्लीफाई वे में दिखाओगे इसको कितना इजी कर सकते हो। पॉज करना। यस एवरीबॉडी, नाउ सच क्वेश्चंस आर लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स देन व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। पहली बात इसमें वो नहीं है जो पहले लिखा हुआ था सॉल्व फॉर एक्स, यहां पर क्या कर रहे हैं सिंप्लीफाई करो, दैट्स इट। मतलब इसको एवेल्युएट करो, आसान वैल्यू में निकालो। ठीक है, दो तरीके हैं, थ्री और थ्री को अलग खेलू, नाइन नाइन को अलग खेलू। बट मुझे यह भी पता है थ्री और नाइन रिश्तेदार है, बिल्कुल है कि नहीं? नाइन इज स्क्वायर ऑफ, या तो सबको किसमें ले जाओ थ्री में, सबको किसमें ले जाओ थ्री में। तो मैं यहां पे बेटा थ्री की पावर एन इंटू थ्री का स्क्वायर उसकी पावर एन प्लस वन कर दूं। ऊपर एन प्लस वन है बेटा, न्यूमरेटर है, इसने बोला एन माइनस वन। इधर ये बेटा ये वाला ना, ये वाला अपॉन नीचे क्या बना, थ्री की पावर एन माइनस वन इंटू थ्री का स्क्वायर उसकी पावर एन माइनस वन। बोलो बच्चों क्या बात सबको समझ आई? अब ऊपर प्रॉपर्टी लगी ए की पावर एम उसकी पावर एन, नीचे भी लगी ए की पावर एम उसकी पावर एन। तो थ्री की पावर एन इंटू थ्री की पावर टू एन प्लस टू, नीचे बना थ्री की पावर एन माइनस वन इंटू थ्री की पावर, क्या बात सबको समझ आई? अब टू आएगा, वेरी गुड, मैं पकड़ ली आप लोगों ने चीज, चाहता था यही हो आज। आ जाओ बेस सेम पावर्स गॉट एडेड, तो मैंने लिखा थ्री की पावर एन प्लस टू एन प्लस टू। अब कई लोग पता क्या करते हैं, एक स्टेप टेस्ट करते हैं, नीचे भी लिखाते हैं। मैं कहता हूं नीचे वाले पहले क्या कर दो, माइनस, क्या कर दो minus. तो ये एन क्या बन गया प्लस वन और ये माइनस टू एन। क्या स्टेप समझ आया सबको? जो नीचे है उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब इस एन से ये एन कटा, इस टू एन से ये टू एन कटा, कटा कि नहीं कटा? टू प्लस वन प्लस टू थ्री की पावर फाइव, याद है कल कराया था कि ये याद ही कर लो क्या होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? करिए नोट।